हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आर्षि अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे ऑनलाइन चैनल CGPSC e-ज्ञान में, जिसमें कि है हमारा लेक्चर नंबर 64। और इसमें हम आगे का स्टार्ट करते हैं। देखिए, फटाफट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 7 अगस्त 2019 को किस पूर्व विदेश मंत्री एवं बीजेपी नेता का निधन हो गया? तो सुषमा स्वराज जी का निधन हो गया। इससे पहले शीला दीक्षित जी का भी निधन हो गया है। 7 अगस्त 2019 को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की सूची में सबसे मतलब एकमात्र भारतीय कौन है? तो वो है बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, जिनका कौन सा स्थान है? 13वां स्थान। 7 अगस्त 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। कब मनाया गया? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। नेक्स्ट है, 7 अगस्त 2019 को भारत, चीन और रूस सहित 8 देशों की टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता IASMC में 5वां संस्करण कहाँ पे हुआ? जैसलमेर में। 8 अगस्त 2019 को फोर्ब्स के द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट में सबसे ऊपर कौन है? सेरेना विलियम्स। 8 अगस्त 2019 को दक्षिण अफ्रीका के किस बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से जो है संन्यास लिया? वो है हाशिम अमला। भारत के किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट है, 8 अगस्त 2019 को किन 3 हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किन 3 हस्तियों को मिला है? तो सबसे पहले प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और एक गायक हैं भूपेन हजारिका। ये तीनों नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसमें से 2 लोगों को मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है, भारत रत्न। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, 8 अगस्त 2019 को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का जो है नया निदेशक किसे बनाया गया? कांदी कूपा श्रीकांत को। नेक्स्ट आता है आपका, 8 अगस्त 2019 को भारत छोड़ो आंदोलन, उसकी कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? 77वीं, मतलब 77th, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 9 अगस्त 2019 को 66 नंबर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला? विक्की कौशल और आयुष्मान खुराना। कौन सी पिक्चर के लिए? विक्की कौशल को उरी के लिए, और आपको आयुष्मान खुराना को मिला अंधाधुन के लिए। 9 अगस्त 2019 को 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड किसको मिला? अंधाधुन को। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 2019 को यूपी में वृक्षारोपण महाकुंभ ये स्टार्ट हुआ, तो कितने पौधे एक दिन में लगाए गए? 22 करोड़ पौधे लगाए गए, और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। 10 अगस्त 2019 को कौन सा दिवस मनाया गया? विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त 2019 को कौन से राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना स्टार्ट किया गया? तो वो झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ नहीं है, झारखंड है। 10 अगस्त 2019 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सोनिया गांधी को। 10 अगस्त 2019 को जैव ईंधन नीति नियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। 10 अगस्त को ये दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त 2019 को 35वां मॉन्ट्रियल का खिताब किसने जीता? तो वो है, देखिए इंपॉर्टेंट है, राफेल नडाल, 35वां मॉन्ट्रियल अवार्ड। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2019 को कौन से बैंक ने भारत का पहला स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है, RBL बैंक ने स्वास्थ्य केंद्रित क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे ये क्लास कंप्लीट होता है, और अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।